बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम जुफिशा कमाल है। मैं शालती गर्ल्स कॉलेज लतीफाबाद में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं वो PCS1 सेमेस्टर 1, इसका कोर्स कोड है 306 और सब्जेक्ट का नाम है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे तो बेटा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बच्चों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं जिसको आपको आगे जाके पढ़ना है, लेकिन इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध ने आपको बेसिकली टर्बो सी लैंग्वेज जो है वो दी है कि जिसको हमें आपको पढ़ाना है और आपने पढ़ना है। ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को आप पढ़ के आपकी प्रोग्रामिंग स्किल मजीद बेहतर होगी। वैसे बहुत से बच्चों को नॉलेज होगी, बच्चों ने 9 बेसिक लैंग्वेज पढ़ी होगी, किसी ने कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी, लेकिन सी लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसके पढ़ने के बाद आपके कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर होते हैं, और फिर उसके बाद आप और जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ट होंगे, जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर होंगे, तो आप फिर जिसने सी लैंग्वेज परफेक्टली पढ़ ली तो वो फिर आगे जाके फर्दर जो भी लैंग्वेज उसके सामने आएगी वो उसको ईजिली हैंडल कर लेगा। चले फिर हम इस सी की तरफ आते हैं। और आज इस चैप्टर के अंदर हम जब फर्स्ट चैप्टर इस सब्जेक्ट के हवाले से पढ़ेंगे तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर में हमने 3 टॉपिक को फोकस करना है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, सेकंड टॉपिक है व्हाट इज सी लैंग्वेज, और थर्ड टॉपिक है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ सी लैंग्वेज इन प्रोग्रामिंग फील्ड, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाई द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टिल रूल्स ऑन या रन इन प्रोग्रामिंग फील्ड। मीन्स के सी लैंग्वेज अब भी क्यों प्रोग्रामिंग फील्ड में रन हो रही है, इस्तेमाल हो रही है, या उसकी हुकूमत है। चले पहले हम बात करते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री को देखते चले कि हिस्ट्री में सी के भी क्या क्या हुआ है, सी कैसे वजूद में आई है। तो पहले हम देखें तो ये एलन जे एक साइंटिस्ट थे, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, बहुत बड़े कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। इन्होंने एक लैंग्वेज एल्गोल AGOL एल्गोरिथम से बना है ये, और ये लैंग्वेज बेसिकली एल्गोरिथम बेस्ड लैंग्वेज थी, एल्फोर लैंग्वेज। ये 1958 से 60 के दरमियान जो है ये लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई थी, और इस लैंग्वेज के डेवलप होने के बाद इस लैंग्वेज की खसूसियत ये थी कि इस लैंग्वेज के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट आ गया था। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स थे उनको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स का एक शऊर दिया गया था, एक कॉन्सेप्ट देना शुरू हुआ था, और ये एलन जे ने जो है ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया प्रोग्रामर्स के लिए कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी होती है, और ये फिर उन्होंने इस लैंग्वेज के थ्रू ये चीज आगे रखी। आगे देखते हैं तो इसके बाद मार्टिन रिचर्ड्स जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है वो काम करते थे और पढ़ाते थे, तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ी लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस कराई, वो थी BCPL लैंग्वेज। BCPL लैंग्वेज बेसिकली जो है वो हमें 1966 में हम डेवलप हुई थी, और इस लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी की वजह ये थी कि ये लैंग्वेज जो थी वो थी पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, पोर्टेबल लैंग्वेज जो है वो आगे मजीद इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टेबल, लेकिन मैं आपको हल्का फुल्का बता दूं कि पोर्टेबल लैंग्वेज वो होती है, मतलब पोर्टेबल जैसे आपके सामने हार्ड डिस्क है, पहले हार्ड डिस्क सिर्फ फिट होती थी सिस्टम्स के अंदर जाती थी, लेकिन अब पोर्टेबल मीन्स कि आप उसको लेके हैंड कैरी में अपने लेके साथ जा सकते हैं, मीन्स वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। तो अब हम यहाँ बात करेंगे, इन्होंने जो है वो अब पोर्टेबल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बिल्ड किया, यानी एलन जे ने स्ट्रक्चर लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने पोर्टेबल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट दिया BCPL के थ्रू। अब हम आगे देखें तो केन थॉम्सन ने BCPL बेल लैब में काम करते थे, उनकी बहुत खदमात है बेल लैब में। अगर आप इनका नाम लेके गूगल पर सर्च करें तो इनकी हिस्ट्री अगर बायोग्राफी पढ़े तो इसमें बहुत ज्यादा इन्होंने काम किया, इनकी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है बेल लैब के अंदर। इन्होंने BCPL पर ही मजीद काम किया, उसके फीचर्स को मजीद उसको इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने BCPL पर ही काम किया, और फाइनली फिर उन्होंने उसी दरमियान उन्होंने एक लैंग्वेज और हमें इंट्रोड्यूस करवाई जो कि थी पी लैंग्वेज। ये हुई थी 1969 में। इस लैंग्वेज को इन्होंने बी का नाम क्यों रखा, सुबह ये गया है कि इन्होंने BCPL लैंग्वेज से पी का
पहला अल्फाबेट उठाया और उसको अपनी लैंग्वेज का नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ट्रिब्यूट देना चाहते थे सर मार्टिन रिचर्ड को, जिन्होंने BCPL जो है वो इजाद की या डेवलप की। क्यों? क्योंकि उनकी खिदमात को वो ट्रिब्यूट देना चाहते थे। लेकिन केन थॉमसन सर, केन थॉमसन की और भी खिदमात है, उनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो ये थी कि उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, वो डेवलप किया। वो 1970s में बेल लैब के अंदर उन्होंने एक नई चीज यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया या डेवलप किया। जब केन थॉमसन की बात करते हैं तो हम डेनिस रिची को नहीं भूल सकते। डेनिस रिची ने जो है वो भी केन थॉमसन के साथ बेल लैब में ही काम करते थे, वहां पर ही उनकी खिदमात भी है। उन्होंने 1972 में बी लैंग्वेज के ऊपर मजीद वो काम कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने 1972 के अंदर एक लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस कराई वो थी सी लैंग्वेज, जो आज भी हमारे पास है। सी लैंग्वेज उन्होंने 1972 में AT&T एट बेल लैब में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। इसके बाद इन्होंने सुना यह है कि सर केन थॉमसन और डेनिस रिची के दरमियान आपस में डिस्कशंस होती थी कि यूनिक्स को मजीद इम्प्रूव किया जाए, तो इस डिस्कशन में फाइनली उन्होंने ये किया कि यूनिक्स को पोर्टेबल बना दिया जाए, कि वो फिर किसी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए नहीं बल्कि वो हर सिस्टम के लिए अप्लीकेबल हो जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने आपस में डिस्कशन करने के बाद उस पर काम शुरू किया और फाइनली जो है वो हमें यूनिक्स पोर्टेबल जो है वो अवेलेबल हो सकी मार्केट में। लेकिन आपको एक और अजीब बात बताऊं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि पोर्टेबल बना यूनिक्स जो हमें पोर्टेबल मिली वो किस लैंग्वेज में डेवलप हुई, वो लैंग्वेज थी हमारे सामने सी लैंग्वेज। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो पोर्टेबल बना था वो रिटन हुआ है सी लैंग्वेज में, उसे राइट किया गया सी लैंग्वेज में। अब हम बात करते हैं थोड़ी सा हम हिस्ट्री की चार्ट की तरफ अगर हम जाएं तो देखें कि एल गोर 1958 से 60 के और उसके अंदर हमें पोर्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। फिर बी लैंग्वेज आई, इसी BCPL की एडवांस वर्जन था बी लैंग्वेज थी जो कि हमें केन थॉमसन ने दी और हमें यहीं पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिला। उसके बाद बी को मजीद डेवलप किया गया और सर डेनिस रिची ने 1972 में हमें सी लैंग्वेज दी जो कि एक हमारे पास आज भी काम कर रही है और उसके ऊपर फिर यूनिक्स पे मजीद काम हुआ और फिर हमें पोर्टेबल यूनिक्स मिली जो कि सी में राइट की गई है। तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री। इसके बाद हम अपना चलते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ कि व्हाट इज सी। सी बेसिकली है क्या? सी इज अ हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज। The C language is in a vital backbone of a modern software. जैसे कि आपको पता है C का क्या है, C is a portable, यानी हमें वही जो concept हमें वहां मिला था वो यहाँ C पे भी apply हो गया। इसके बाद modern programming concept are based on a C language, यानी C language अब भी modern, जितने भी programming हो रही है, जितनी भी programming हो रही है वो सब modern concept जो है वो based हो रहे हैं C पे। इसी तरीके से सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी वही चीज जो हमें पीछे हिस्ट्री में नजर आई थी वो यहां पे भी आ गई कि सी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद सी इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। और फिर सी कैन अप्लाई टू गेम्स, ट्रैफिक्स एंड एप्लीकेशन, यानी सी जो है वो गेम पे भी अप्लाई हो सकती है, सी में गेम भी बन सकते हैं, ग्राफ पे भी काम हो सकता है और आप एप्लीकेशन पे भी। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 70s के अंदर अर्ली 70s में जो पिंक पैंथर और जो जिस तरह के कार्टून्स बनते थे तो वो सी में बनते थे बेटा, वहां की ग्राफिक्स वही सी के अंदर ही वो ग्राफिक्स में ही काम होता था और वो कार्टून सी में डिजाइन हुए थे। इसी तरह सी इंप्लीमेंट्स एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर इन अ प्रोग्राम। एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर भी सी पे इंप्लीमेंट हो सकते हैं। आप आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जब एल्गोरिथम का एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर जितने भी एल्गोरिथम होंगे वो आप सी में ही इंप्लीमेंट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट ईयर जब आप डेटा स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे तो उसके भी एल्गोरिथम आप सी में अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम अपना कि यहां पे कहते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ सी लैंग्वेज इन प्रोग्रामिंग फील्ड और व्हाई द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टिल रूल्स, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब तक क्यों हुकूमत कर रही है या क्यों रन हो रही है अब तक प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर। तो ये बात आप ध्यान में रखें बेटा कि वो जो कहा जाता है ना, कुछ लोगों से मैंने सुना है या कुछ लोग अगर आपको ये कहें कि सी इज आउटडेटेड नाउ तो आप उनसे कहें कि नहीं भी, आप अपनी थोड़ी स्टडी को
प्लॉट करें, क्यों? क्योंकि सी अब तक इस वक्त रन हो रही है। तो अब इसके जवाब यहाँ पे ये है कि सी इज अ वेरी पावरफुल एंड हाईली रिकमेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मेनी सॉफ्टवेयर डिजाइन इन सी। अब सॉफ्टवेयर देखिए आप कौन कौन से, विंडोज है, लिनक्स है, ओरेकल है, MySQL, एंड्रॉइड है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो सी के अंदर डिजाइन हुए हैं। अब हम इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ते चलते हैं ऐसा ऐसा कि विंडो 10, अब अगर विंडो 3.1 आई थी जिस वक्त, फिर विंडो 95 आई, फिर विंडो 98 आई, इस तरह विंडो के वर्जन डिफरेंट आते रहे। मैंने यहाँ पे विंडो 10 रखी है। विंडो 10 क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली इज नेसेसरी फॉर एनी पीसी, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी डिवाइस का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, किसी भी, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना लाजमी है। चाहे वो आपका कैमरा हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका एसी हो, चाहे वो आपका एलईडी हो, चाहे वो आपका पीसी हो, हर एक के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना लाजमी है। तो बिल्कुल इसी तरह पीसी के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी है, चाहे वो विंडो हो, मैक हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। बेसिकली हम विंडो पे बात कर रहे हैं, तो विंडो हर पीसी के लिए लाजमी है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो कर्नल डेवलप इन अ लैंग्वेज सी। अब क्या कर्नल? बेसिकली ये फाइल होती है, कर्नल 32-bit फाइल होती है, जो कि सी में ही इसकी प्रोग्रामिंग होती है। ये बेसिकली सी में और इसके साथ सब कुछ पार्ट इसका असेंबली लैंग्वेज में मिला के बनाया गया है। अब कर्नल बेसिकली होती क्या है? कर्नल बेसिकली ब्रिज का काम करता है। कर्नल वो फाइल होती है जो ब्रिज का काम करती है कि वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन बिल्ड करती है। अब क्या है कि कर्नल असेंबली लैंग्वेज का जरूरत क्यों पेश आई? असेंबली लैंग्वेज यहाँ क्या काम करने लगी थी? असेंबली लैंग्वेज की जरूरत इसमें इस वजह से पेश आई है क्योंकि असेंबली लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। इसमें कुछ ना कुछ कोड्स, किसी ना किसी मशीन को जाहिर सी बात है कुछ कोड्स की जरूरत पड़ी होगी, तो इसी वजह से उन्होंने असेंबली लैंग्वेज को भी साथ में ऐड किया होगा। तो सी और असेंबली को मिलाकर विंडो के अंदर जो कर्नल 32-bit फाइल होती है उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो सी में की गई। और ये कर्नल बेसिकली वाइटल बैकबोन है विंडो की। आप जहन में रखिएगा, इसके बगैर विंडो नहीं चलेगी। अगर ये डिस्टर्ब हो जाती है तो आपकी विंडो हैंग होना शुरू होती है, आपकी विंडो डिस्टर्ब होती है, स्लो होती है, कुछ आप करते हैं तो कुछ एरर्स मैसेज आते हैं। वजह ये होती है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कम्युनिकेशन जो एक ब्रिज है कर्नल, ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो ब्रिज टूट जाता है तो आपस में कम्युनिकेशन ब्रेक आता है। इस वजह से ये कर्नल लाजमी होनी चाहिए विंडो के अंदर। अगर विंडो में ये कर्नल डिस्टर्ब होगी तो आपकी विंडो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इस वजह से ये आप देखें कि इस वक्त हमारा करंट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो, इसके अंदर भी सी इन्वॉल्व है। आगे देखिए और कहां कहां सी इन्वॉल्व है। हाँ, अब आगे हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स नहीं, लिनक्स, लेटेस्ट वर्जन है लिनक्स। इसमें भी लिनक्स कर्नल इज रिटन इन अ सी लैंग्वेज। लिनक्स का जो है वो भी सी लैंग्वेज में ही कर्नल इसकी बनी है। एंड सम पार्ट्स डेवलप इन असेंबली लैंग्वेज, यानी जाहिर सी बात है मशीन है, उसमें हार्डवेयर इस्तेमाल हुए हैं, तो इस वजह से उसकी कुछ कोड्स जो है वो असेंबली भी इस्तेमाल हुई है उसके कुछ कोड्स। अब आगे देखिए, अबाउट 97% ऑफ द वर्ल्ड्स 500 पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स रन द लिनक्स लिनक्स कर्नल, यानी इतने बड़े पैमाने पर लिनक्स यूज होती है। तो अब आगे और देखें कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक विंडो आपने देख लिया और अब आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखा कि इसमें भी सी इस्तेमाल होती है। इसके बाद सी की इन्वॉल्वमेंट इसमें भी। अब हम देखते हैं डेटाबेस। यस, डेटाबेस आपको अभी तो बिल्कुल नया नया लगेगा कि क्या है ये डेटाबेस। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है? डेटाबेस अब आप इसको डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर जब आप डेटाबेस सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि डेटाबेस आर यूज इन ऑल काइंड ऑफ सिस्टम। मतलब आप फाइनेंशियल में जाएं, गवर्नमेंट सेक्टर में देखें, टेलीकम्युनिकेशन में देखें, आपके जो बिल वगैरह आते हैं वो भी पूरा डेटाबेस होता है, एंटरटेनमेंट में देखें, एजुकेशन में, पूरी हमारी पूरे उसमें ग्लोबली ये डेटाबेस यूज होता है। दुनिया में 3 डेटाबेस बहुत मशहूर, बहुत बहुत पॉपुलर है जो यूज होते हैं। आप भी जब प्रोग्रामिंग सी में करेंगे, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे फाइनल ईयर में आके, तो फिर आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। तो आप यकीनन ओरेकल यूज करेंगे, MySQL यूज करेंगे, या माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर वगैरह, इस तरह की चीजों को ऐड करेंगे अपनी सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज के साथ। तो इस वक्त दुनिया में जो पॉपुलर डेटाबेस है वो है ओरेकल है, MySQL और माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है। अब इसमें भी देखते हैं कि डेटाबेस में भी क्या सी इन्वॉल्व है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि पहले हम देखते हैं ओरेकल डेटाबेस। ओरेकल डेटाबेस जो है वो रिलेशनल RDBMS पर काम कर रही है, और ओरेकल जो है वो कंपनी है, ओरेकल कंपनी की। लेकिन 1983 में जो ओरेकल वर्जन था 3,
वर्जन 3 था जो 1983 में आया, उसको जो है उसको भी सी में ही राइट किया गया, यानी ओरेकल भी सी में ही राइट हुई है। देखिए आप, इन 1983 ओरेकल वर्जन 3 वाज रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो राइट हुई थी। अब आगे देखें और डेटाबेस में और कौन कौन से सॉफ्टवेयर है। MySQL डेटाबेस, MySQL डेटाबेस बेसिकली क्या है, ये भी जो है क्यूरी लैंग्वेज बेस्ड सेट है, ये भी क्यूरी लैंग्वेज बेस्ड है, ये भी वही RDBMS पे काम करता है, ये तमाम प्लेटफॉर्म पे चलता है, ये भी जैसे Oracle चलता है ऐसे ये भी Linux, Unix, Mac एंड Windows सारे प्लेटफॉर्म पे काम करता है, ये भी सी में ही लिखा गया है। इसके बाद हम और देखें कि और क्या है, Microsoft SQL Server जाहिर सी बात है Microsoft वालों का अपना है, ये रिलीज हुआ था 1989 में और ये भी रिटर्न किया गया सी लैंग्वेज में, यानी सी की इन्वॉल्वमेंट हर जगह पर अपना आपको नजर आ रही है। अब बात करें कि अब आपके मतलब आपके इंटरेस्ट की बात आ गई कि एंड्रॉइड इस वक्त सब बच्चों के इंटरेस्ट एंड्रॉइड है या iOS है। एंड्रॉइड बेसिकली क्या है, आपके सबके पास सेलफोन्स हैं, सब अपने अपने सेलफोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं सब, लेकिन उसके ऊपर भी जाहिर सी बात है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS यानी आईफोन जिनके पास है उनके पास iOS ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है उनके सेलफोन्स पे, तो ये बात ध्यान में रखिए बेटा कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एंड्रॉइड की कोर लाइब्रेरीज होती हैं, वो लाइब्रेरीज भी सी में ही उसकी प्रोग्रामिंग हुई है। ये देखिए, टुडे एवरीवन यूजिंग अ स्मार्टफोन, एंड्रॉइड कोर लाइब्रेरीज आर रिटन इन अ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगर हम iOS पे आते हैं तो इसके चाहे वो iOS हो या आईफोन iOS या फिर आपके मैक पीसीज हो या एप्पल पीसीज हो, सबके अंदर उसकी कर्नल भी सी में ही राइट हुई है। विंडो बेस फोन, ये विंडो बेस फोन जो ये आप कुछ अरसे पहले आए थे जो कि हमारे नोकिया वालों ने निकाले थे विंडो बेस फोन, ये विंडोज फोन जो थे ये बेसिकली बिल्कुल हमारे पीसीज की तरह से थे, उससे इंटरेक्शन करना बहुत आसान हो गया था, बड़ा अच्छा उससे कम्युनिकेशन बड़ी इजी हो गई थी। तो वो भी जस्ट लाइक अ विंडो आपकी जैसे पीसी पर होती ऐसी उस फोन पे भी थी, तो उसकी भी कर्नल जो है वो सी ही में राइट हुई थी। अब देखें आप सी की इन्वॉल्वमेंट कहाँ कहाँ पर है। अब सबसे अहम चीज डिवाइस ड्राइवर्स, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मिस हमारा जो है वो ग्राफिक का मिस ग्राफिक का ड्राइवर हमारे ग्राफिक्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मिस साउंड नहीं मिल रही, मिस हमारे जो है वो फला एरर आ रहा है, मिस ग्राफिक्स का एरर आ रहा है, हमारे साउंड का एरर आ रहा है, हमारे मॉडेम सही इंस्टॉल नहीं है, लैन का एरर आ रहा है, इस तरह के एरर्स ड्राइवर्स के एरर्स आते हैं। वजह ये कि डिवाइस ड्राइवर्स है क्या बेसिकली, डिवाइस ड्राइवर्स जो है बेसिकली आपको पता है कि कोई भी चीज, गाड़ी खड़ी अगर ड्राइवर नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी नहीं चलेगी, ड्राइवर अगर घर पे नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। बिल्कुल इसी तरीके से पीसी आपकी मशीन है, मशीन आपको आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इस मशीन के अंदर साउंड भी लगा हुआ है, वीजीए भी लगा हुआ है, लैन भी लगा हुआ है, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज हैं जो इसके साथ, वाईफाई भी लगी हुई है, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज जो इसके साथ अटैच्ड है, तो उनके लिए उसकी फाइल्स चाहिए ताकि वो उसे कम्युनिकेट कर सके। वो फाइल्स जो है वो भी सी में ही होती है, प्रोग्रामिंग होती है उन फाइलों की। वो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो DDK यानी ड्राइवर डेवलपमेंट किट होती है जो कि सी में उसकी प्रोग्रामिंग होती है, वो छोटी छोटी फाइल्स या सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी प्रोग्रामिंग सी में ही होती है। इसके बाद हम एक और चीज देखें तो इसमें है एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं। एम्बेडेड सिस्टम वो सिस्टम जो कि आप ये कहना चाहिए कि एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, इट्स प्रोग्राम और डिजाइन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। क्या कि वो हार्डवेयर यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, अब एसी आपका एम्बेडेड सिस्टम है ठीक है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है वो हार्डवेयर भी है, लेकिन अब इस तरह के जिस सिस्टम जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करे, एसी जाहिर सी बात है वो सिर्फ आपको कूलिंग देगा, वो आपको साउंड नहीं सुनाएगा, वो आपको वीडियो नहीं दिखाएगा, वो आपको जो है आप उसमें सामान नहीं रख के फ्रीज कर सकते, वो जस्ट एक रूम का टेम्परेचर फ्रीज करेगा, कूल करेगा। इसी तरीके से ये LED है, ये आपको डिस्प्ले देगी, साउंड देगी, सब आपको करेगी, लेकिन ये आपको कूलिंग नहीं देगी, ये आपको हीट नहीं देगी। इसी तरीके से आप अगर इसको आप डोर सेंसर है या आपका मोबाइल सेंसर है ये, या आप इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये जैसे आपका ये स्टाइलस है, ये स्टाइलस ये जब है तो पेन, ये एक पेन है, बट ये पेन इसे नॉर्मली पेन है लेकिन इसे कंप्यूटर टर्म में इसे स्टाइलस कहते हैं। वजह ये है कि ये स्टाइलस जो है ये सिर्फ और सिर्फ या तो स्क्रीन पे या फिर ये माउस पैड पर या फिर ये टच स्क्रीन पर लिख सकते हैं हम इसको, ये कॉपी पे नहीं लिखा जा सकता इससे, तो ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइन हुआ।
तो ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर के थ्रू भी चल रहा है, इसका हार्डवेयर बना हुआ है, यही निप है इसकी, सब कुछ ऐसे ही है, ये हार्डवेयर है, लेकिन इसको कम्युनिकेट करने के लिए इसके साथ सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है, जो इसको कहा, जैसे मैं इस पर लिखूंगी तो ये कम्युनिकेट होगा, तो ये कम्युनिकेशन के लिए मुझे जाहिर सी बात है कि इसके पीछे प्रोग्रामिंग हुई होगी, तो ये प्रोग्रामिंग भी सी में हुई है। इसी तरह देखिए आप यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है कि इन डे टू डे लाइफ वी यूज मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज वॉशिंग मशीन, एलसीडी, डोर सेंसर, टायर प्रेशर डिटेक्टर सिस्टम, क्रेडिट कार्ड रीडर एंड प्रोग्राम, सारी जो है इसी में ही प्रोग्रामिंग हुई है। जिस तरीके से आपका ये सेंसर होता है, फूड सेंसर है, आप एटीएम कार्ड डालते हैं, एटीएम में डेबिट डालें या क्रेडिट कार्ड डालें तो वो कार्ड रीड करता है, तो जब वो रीड करता है तो उसके पीछे एक प्रोग्रामिंग होती है, जब वो प्रोग्रामिंग होती है तो उस प्रोग्रामिंग को के अंदर भी जाहिर सी बात है कोड्स इस्तेमाल हुए, तो वो कोड्स जो होते हैं वो सी लैंग्वेज के होते हैं। तो अब आपने देखा कि सी लैंग्वेज कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल हो रही है, सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे, अगर अब आपको अगर कोई कहे कि सी इज नाउ आउटडेटेड तो आप उनको ये कहिए और उनको ये मिसालें दें, ये समझाएं कि सी इज नॉट आउटडेटेड लैंग्वेज, क्यों, क्योंकि सी अब भी रन हो रही है, अब भी तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट इन्वेंशन जितनी भी हमारी रूटीन लाइफ में है वो सब इस वक्त भी उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग हुई है उन सॉफ्टवेयर में वो सी लैंग्वेज में हुई है। बहरहाल आज तक के लिए आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ होगा, कुछ आप लोगों ने समझा होगा, तो आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी, उसमें हम जो आइंदा लेक्चर होगा वो टोटल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग बेस्ड लेक्चर होगा, उसमें हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे कि सी, आपने देख तो लिया कि सी क्या है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुई है, सब कुछ हुआ है, तो फिर हम उसकी अब प्रोग्रामिंग सीखेंगे। आइंदा के लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रोग्रामिंग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।